डाकू मलखान सिंह के राइट हैंड रहे लगभग 80 साल के मुन्ना सिंह परिहार की बीहड़ में डाकू बनने की कहानी बेहद अफसोसजनक है। एक सरकारी टीचर का बेटा जिसे 3-3 सरकारी नौकरियां मिली हो, वो बीहड़ की राह कैसे चुन सकता है? पर ऐसा हुआ मुन्ना सिंह के साथ। मुन्ना सिंह के पिता सरकारी टीचर थे, उनका समाज में सम्मान था, उन्हें कई जानने वाले थे। इस कारण उन्होंने मुन्ना की एक नहीं 4-4 बार सरकारी नौकरी लगवाई। लेकिन जैसे मुन्ना को डकैत ही बनना था, हर बार वो नौकरी छोड़ आया। आखिर एक शिक्षक पिता का बेटा डाकू कैसे बना? इस बात पर मुन्ना ने कहा कि शायद नसीब में डाकू बनने का कलंक लिखा था। मुन्ना के पिता शिक्षक देवी सिंह ने उसकी 3 बार पीडब्ल्यूडी आगरा, बांदा और चिल्लाघाट में नौकरी लगवाई थी, पर उसने नौकरी नहीं की। 4थी बार राज्य परिवहन निगम के वर्कशॉप में नौकरी पर लगवाया, वो भी नहीं की। फिर सेना में भी भर्ती हो गया। मुन्ना को सेना की नौकरी ज्वाइन करने झांसी जाना था। तब फौज में जाने वालों से मिलने सारे रिश्तेदार आते थे। मुन्ना की नानी भी पहुंची, बोली कि लाम पर जा रहे लोग जिंदा नहीं लौटते। तब लाम शब्द का इस्तेमाल मोर्चे पर जाने वाले सैनिकों के लिए किया जाता था। नानी और मुन्ना की माँ गंगा रोने लगी। मुन्ना घर का बड़ा बेटा था। आखिर में माँ ने मुन्ना को सेना में जाने से रोक दिया। यहीं से मुन्ना की जिंदगी का मोड़ तय हो गया। मुन्ना ने बीहड़ में रहने के दौरान कभी भी नहीं सोचा था कि घर वापस लौटेगा, लेकिन गांधीवादी सुब्बाराव जी की वजह से ये संभव हो सका। मुन्ना सिंह परिहार के चंबल में उतरने की वजह थी बदला। 70-80 के दशक में गांव में चोरियां बहुत होती थी। मुन्ना के गांव में भी चोरियां हो रही थी। गांव के दबंग धनसजा माहौल और भरोसे ने इन चोरियों में मुन्ना का नाम पुलिस में लिखवा दिया। एक बार पुलिस पकड़ कर भी ले गई, तब पिता ने 400 रुपए देकर थाने से छुड़वा लिया था। दूसरी बार दबंगों ने फिर मुन्ना का नाम चोरी में लिखवा दिया। मुन्ना का दबंगों से विवाद हुआ। दोनों दबंगों ने मुन्ना को खूब पीटा। मुन्ना अपमान से जल रहा था। उसने दोनों से बदला लेने की सोची। उस समय मलखान सिंह बीहड़ में उतर चुके थे। मुन्ना की उनसे दूर की रिश्तेदारी थी। मुन्ना ने भी बीहड़ का रास्ता पकड़ लिया और बागी बन गया। 2 साल बाद मुन्ना और पड़ोस के गांव तिलौरी के रहने वाले जगदीश सिंह और उनके साथियों ने मिलकर गरीबों को परेशान करने वाले गांव के दबंगों, धन सजा माहौल और भरोसे को लाठी डंडे से पीट पीट कर मार डाला। इस घटना के बाद ही मुन्ना के घर वालों को पता चला कि उनका बेटा डाकू बन चुका है। मुन्ना के डाकू बनने की खबर शिक्षक पिता के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। पिता मुन्ना को समझाने आए। बीहड़ में पिता को देख मुन्ना की आंखों से आंसू निकल आए, पर लौटने का अंजाम पता था। तब तक मुन्ना के ऊपर हत्या के 4 केस लग चुके थे। वापसी का मतलब था पुलिस एनकाउंटर। पिता ने बहुत समझाया, बोले कि तुम समर्पण कर दो, मैं जेल से छुड़वा लूंगा। मुन्ना ने कहा, पिताजी घर ले जाओगे तो छूटना मुश्किल हो जाएगा, एनकाउंटर भी हो सकता है। मुन्ना ने पिता से कहा, अब इस राह पर वो बहुत आगे पड़ चुका है। आखिरकार पिता को वापस लौटना पड़ा। बाद में मुन्ना को अपने फैसले पर बहुत पछतावा हुआ। उस समय वो पिता की बात मान लेता तो इतने जुर्म उसके नाम ना चढ़ते। ग्वालियर भिंड मार्ग से सटे खोरिया मिर्घा गांव में मुन्ना का घर आज भी है। 8वीं तक पढ़ाई करने वाला मुन्ना सिंह 18 की उम्र में डाकू बनने मलखान सिंह गिरोह से जा मिला था। मुन्ना सिंह 1982 तक चंबल में सक्रिय रहा। MP सहित UP और राजस्थान में 125 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हुए। गिरफ्तारी पर 50,000 का इनाम भी था। 17 जून 1982 को भिंड में अपनी AK-47 के साथ जब मुन्ना ने आत्मसमर्पण किया तो बहुत देर हो चुकी थी और जिंदगी का स्वर्णिम काल निकल चुका था। एक अच्छी जिंदगी लोगों के खून से भर गई थी। मुन्ना सिंह ने एक हथियार 2 लाख में खरीदा था। मलखान सिंह के पास अमेरिकन गन थी जो 3 लाख में मिली थी।
मलखान गिरोह में मुन्ना के साथ ही बने जगदीश सिंह की कहानी भी इसी से जुड़ी हुई है। तिलौरी गांव के जगदीश सिंह ने मुन्ना के साथ मिलकर 1977 में धनसजा माहौर और भरोसे की लाठी डंडे से पीटकर हत्या कर दी थी। इस हत्या के बाद जगदीश सिंह भी मुन्ना सिंह की तरह चंबल में उतर गया था। तीन भाइयों में दूसरे नंबर के जगदीश सिंह का 2/20 जमीन को लेकर विवाद था। धनसजा माहौर के खेत से सटी उसकी खेती थी। धनसजा गांव का दबंग था, उसने जबरन जगदीश के खेत में कब्जा कर रखा था। इसे लेकर अक्सर विवाद होता था। एक दिन जमीन विवाद में धनसजा और उसके परिवार के लोगों से जगदीश और उसके भाइयों का विवाद हो गया। तब लाठी डंडे और फरसे से जगदीश पर हमला हुआ। उसका हाथ कट गया था, सिर फट गया था। 1.5 महीने तक अस्पताल में जिंदगी और मौत का संघर्ष चला, तब जाकर ठीक हुआ। इस सब के बावजूद दुख इस बात का था कि पुलिस ने दबंगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। कई बार पुलिस थाना और अधिकारियों के यहाँ चक्कर लगाए, पर कहीं सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार 45 वर्षीय चाचा कुंगराज के साथ 20 की उम्र में जगदीश भी बागी बनने चंबल में उतर गया और मुन्ना सिंह की मदद से मलखान सिंह के गिरोह में शामिल हो गया। जगदीश के सिर पर 30 से अधिक मुकदमे थे, 25,000 का इनाम रखा गया था। जब तक बीहड़ में रहा, कभी पुलिस नहीं पकड़ पाई। 17 जून 1982 को सरदार मलखान सिंह के साथ जगदीश ने भी भिंड में आत्मसमर्पण कर दिया। उस समय सरकार ने 10 बीघा जमीन, भाई को नौकरी और गन लाइसेंस देने की बात कही थी, लेकिन कुछ नहीं मिला। जगदीश 11 साल जेल में रहा। इस दौरान ग्वालियर, इटावा, उरई और आगरा की जेल में बंद रहना पड़ा। 1993 में जब छूटा, तब आगरा जेल में था। दरअसल मलखान की गैंग एमपी के अलावा यूपी के मैनपुरी, कानपुर, हमीरपुर, इटावा में भी सक्रिय थी। वहां भी कई अपराध दर्ज थे। आज मुन्ना सिंह और जगदीश दोनों को इस बात का गिला है कि बीहड़ में अपराध का रास्ता पकड़कर जिंदगी में उन्होंने बहुत कुछ खो दिया।